जाने आगे होगा क्या पता, हाँ क्या पता। आंखें देखी मंजिलों को और ना किसी से है कोई वास्ता, हाँ वास्ता। जो कर लिया वो वादा ना टूटे कभी, ओ गवार है ये आसमां और जमीन। देवी अपनी उड़ान है, देगा अपना जहां। यू नो हाउ वी आस्क द दुकान वाला, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, एज इफ इम्पोर्टेड होगा तो बेहतर होगा, यहाँ का बना होगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, ये सब स्टैंडर्ड है, ये इन्फीरियर क्वालिटी का है। एंड वी मिस ऑन सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी आर सेल्व्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हिच आर एग्जैक्टली एट पार विद दीज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। मिस्टर हमजा, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर कमिंग टू द पॉइंट सून। यस यस मैम, जस्ट 2 मिनट्स। आई एम अफ्रेड यू ओनली हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। जी मैम, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में बहुत कुछ गलत है लेकिन बहुत कुछ सही भी है। For example, our cell phone service, locally assembled cars, agriculture-based products. Mr. Hamza. Ma'am, my thesis is made in Pakistan. जब हम सब कुछ पाकिस्तान में बना सकते हैं, फिर ये imported चीजों पर dependent क्यों हैं हम? हमारा import-export deficit भी बेहतर हो जाएगा, and this is the only way we will become a self-sufficient economy. Mr. Hamza, मुल्क आप बाद में बचा लीजिएगा। फिलहाल ये बताएं कि आपके thesis की requirement थी launch a product. आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हैं? अपना हुनर बेच रहे हैं सर, अपना टैलेंट, ये बेच रहे हैं। और एक दिन ये प्रोडक्ट लेने के लिए ना लाइनों में खड़े होंगे लोग, लाइनों में। I don't think so, man. हाँ भाई, बेचा कमेटी को अपने आइडिया। बेचने को कुछ होगा तो बेचूंगा ना। क्यों, पसंद नहीं आया उन्हें? यार देख, मैं उन्हें समझा रहा था कि इट्स द मैन और द वुमन बिहाइंड एनी प्रोडक्ट और सर्विस। खुद थोड़ी पैदा हो जाती है चीजें। द कीज टू टैप द राइट टैलेंट। और जैसे कि तू, ऑफ कोर्स, और तू और यादा कॉलेज, उन चार निगमों के अलावा। तो तू प्रोडक्ट नहीं खुद को बेचने गया था? देख, मुझे कहते हैं कि रिजल्ट का वेट ना करें आप, एक बड़े से कागज पे बड़ा सैफ बना के दे दिया। तो यार यही मसला है इस मुल्क का, दे डोंट जस्ट बिलीव इन एनीथिंग। कोई भी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दो तो हंसना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि पागल है ये, खुद तो कुछ कर नहीं सके इसीलिए टीचर्स बन के स्टूडेंट्स की बजा रहे हैं। ओ स्टीव जॉब्स, सही तो कह रहे हैं वो यार, जितना मांगा है उतना देना। ये सब दुनिया बदलने वाली बातें ना अमेरिका में चलती है या फिर उनकी फिल्मों में। अच्छा छोड़, तू बता तेरा थीसिस किस टॉपिक पर। साबुन है? हाँ साबुन, एक ऐसा साबुन जो खत्म ही नहीं होता है, मतलब देर तक चलता है। केमिस्ट्री लेने का एक फायदा तो हो गया यार, अब एक बार तेरे भाई का ए आ गया ना, भाई की एवरेज सेट हो जाएगी। यार अल्लाह ने तुझे इतना तेज दिमाग दिया और तू फिर भी उसे साबुन बेचने में यूज कर रहा है, कम ऑन यार। देख भाई, ए हासिल करने के लिए ना मैं साबुन तो क्या चूरन बेचने के लिए भी तैयार हूँ। देख भाई, जिसके ग्रेड्स होते हैं ना नौकरियां उसे ही मिलती हैं। और तेरे को एक बरादराना मशवरा है, कमेटी के पास जा और उनको बोल के रात भर तेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए तू सब बकवास करके आया है। कुछ भी बेच यार, साबुन, सर्फ, चिप्स, कुछ कुछ भी बेच यार। नहीं, उन्होंने जो ग्रेड देना है दे दें, आई विल स्टैंड बिहाइंड माय आइडिया। और क्या है वो आइडिया? वो आइडिया ये है कि आई हैवंट फिगर्ड इट आउट यट बट आई विल, और लाइनों में खड़े होंगे लोग। अबे समोसा खिला इधर आ, समोसा खिला तू। तुम्हारा थीसिस प्रेजेंटेशन कब है? अभी 2 घंटे। आर यू प्रिपेयर्ड? हां ऑफ कोर्स आई एम। आईडिया क्या है? तुम्हारा आईडिया क्या है? मां मेरा सवाल मुझ पे डाल दी। आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई नो आईएसपी क्या होता है, बट तुम्हें लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है। हां है तो सही, लेकिन लॉगिन टाइम से ज्यादा आपको कस्टमर सर्विस में टाइम लग जाता है ना। गुड फॉर यू, गुड लक। तुम्हारा आईडिया क्या है? यार एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। आई रियली बिलीव कि नजर लग जाती है। नजर लग जाती है क्या? आइडिया है कि अनुष्का और विराट का बेबी। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, बताओ। आई एम नॉट डाइंग टू नो एनीवेज। राइट, शैम्पू है ना? मरियम, कम ऑन, आई डोंट वांट टू टेल यू। ठीक है ना, बताओ, बाद में ना कहना कि मरियम मुझे बताया क्यों नहीं। या नहीं कहूंगी तुमको मैं। और वैसे भी यू नो आई एम रियली पैशनेट अबाउट माय आइडिया, आई जस्ट फील लाइक उनको ना समझ में आ जाएगा। आईएसपी तो नहीं हो ना?
250। अंकल 3 समोसे और एक बर्गर कर देना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें एक फ्रेंच फ्राइज का फ्राई भी नहीं दूंगा। तुमने तो पिछले महीने का और उस महीने का बिल भी नहीं दिया है। तो अभी 19 दिन हुए ना, पहली थोड़ी आई है। पहली आया तो दे दूंगा ना, मेरी कमेटी निकल रही है, हो जाएगा। तुम जैसे फ्रॉड बहुत देखे हैं मैंने, पहले पैसे फिर ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड। अब्बा की अलमारी से स्पेशल चुरा के लाया हूँ। चल समोसे तो खत्म हो गए, ये बर्गर खा। वैसे समोसे रोज ही खत्म हो जाते, ज्यादा क्यों नहीं मंगवा लेते? अरे वो जो समोसे लेकर आता है ना, वो कहता है अंकल बाइक पर इतने ही समोसे आ सकते हैं, पर तुझे क्यों बताऊं मैं? तो अब तो बता दिया, तो प्राइस बढ़ा देना, मैं देख रहा हूँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अच्छा कोई जूस वूस तो दे दो, ये हलक से कैसे उतरेगा। थैंक यू अंकल, लव यू। ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? मुझे पता है ये कॉलेज का आखिरी हफ्ता है, पहली तारीख को नहीं 25 तारीख तक बिल चुकता हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, घर का मजाक नहीं है, आप घर आए तो मैं बता दूंगा अब्बा को कि सिगरेट चुराने के लिए आपने कहा था। अब ठीक है, मैं बताता हूँ। हाय गाइस, रिजल्ट के बाद में घर पे पार्टी है, यू गाइस वांट टू कम? ये तो रिजल्ट पर डिपेंड करता है। रिजल्ट को कौन सीरियसली लेते हैं, हमने कौन सी जॉब्स करनी है? हमने तो करनी है। तू अपनी बात कर, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। That's really cute and so unrealistic. See you guys, Tanish? Done. Kiran, वो मेरी कुछ cousins आ रहे हैं। No. हमो? यार किरण, actually I'm not feeling great. वो thesis committee वालों ने मेरे दिमाग की दही कर दी। I think उनको मेरी बात की समझ नहीं लगी। तो तुम अपनी बात मुझे समझा लो। Okay, bye. ये क्या चीज है यार? ये तो तुझे ही पता होगा हम्मू, वैसे यार हर कॉलेज में एक ऐसी जरूर होती है, और मुझे तो खुशी है कि हमारे पास भी एक ऐसी है। तूने जॉब्स अप्लाई कर दी? मैंने तो मत पूछ कितनी एप्लीकेशंस दे दी हैं, हर जगह पे यार बैकअप बहुत जरूरी है, वरना अब्बा जान से मार देंगे। असल में यार अब्बा ने जिंदगी भर नौकरी की है, और उनके अब्बा ने भी जिंदगी भर नौकरी की है, और ये हमारे जो आइडियाज हैं उनके समझ आने नहीं है, और अगर समझाने की कोशिश भी करो या तो चपले पड़ेंगी, वरना कम से कम चपेड़े तो आनी ही आनी है। सुन, हम मिलके क्यों ना कुछ करें? ये अब तूने बात करी ना, कहाँ पे? तेरी मल्टीनेशनल में? यार फिर मजाक, तेरा तो माइनर भी आईटी में है। थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज। यार फिलहाल मेरा इंटरेस्ट सिर्फ जॉब के अंदर है। तू एक काम कर, मेरे को कोई 20-25 साल दे, मैं कुछ पैसे जमा कर लूंगा, उसके बाद साथ काम करेंगे, क्या बोलता है? यार हर बात मजाक में ले जाता, तू सोच तो सही, मैं 2-3 आइडियाज पर काम कर रहा हूँ। यार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट भी यही कहती है कि हमारे ग्रेजुएट्स जॉब्स ढूंढते नहीं, क्रिएट करते हैं। इमेजिन बीइंग योर ओन बॉस, खुद के लिए काम करना। और देख, तूने खुद अभी कहा कि तेरे अब्बा ने सारी जिंदगी नौकरी की और एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजारी, और जो सेव किया वो तेरी पढ़ाई पे लगा दिया। अब देख बुरा मत मान, लेकिन तू भी क्या सारी जिंदगी नौकरी करना चाहता है कि तू इतना ही सेव कर सके कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाए, मिडिल क्लास जिंदगी से ऊपर नहीं आना? यार तू अब बुरा मान गया। जब बात सच्ची हो ना तो बुरी तो लगेगी। चिलकर सर, आई हैव स्टडीड मीडिया वेरी क्लोजली, टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, इवन थिएटर, एंड आई डोंट एग्जैक्टली वांट टू थिंक व्हाट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई मीन सेम बॉक्स में रहते हुए यू कैन डू अ बेटर जॉब देन एनीवन एल्स। सॉरी आई डोंट फॉलो यू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी योर आइडिया अगेन? मैम जैसे कि आपको पता है कि टीवी ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग स्टेज में है, ड्यू टू द स्ट्रीमिंग चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, और रेडियो का तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है, और अगर थिएटर की बात करें तो वो तो 2-3 बार फौत हो चुका है। मैम हमें आदत हो गई है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की। हियर वी गो अगेन। क्या हुआ मैम? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली सुबह भी एक साहब आए थे और वो भी आप ही की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर हमें पता नहीं था कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, बट आई होप सो कि आप भी कोई ऐसा ही शॉकिंग सरप्राइज नहीं देंगी। नो मैम, स्टैट्स मेरे पास आपके फोल्डर में होंगे। ट्यूबलाइट नाम है इसका। क्या ये सर्विस स्ट्रीमिंग सर्विस है? यस मैम, यस। यूट्यूब की तरह? जी नहीं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो नहीं, यूट्यूब तो फ्री है। क्या आप यूट्यूब फिर से लॉन्च करके इसका चार्ज करेंगी? नो मैं चार्ज नहीं करूँगी, इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
मैम मैं बताती हूँ आपको. मैम ट्यूबलाइट पे हम लोग सब्सक्रिप्शन कर. इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान, आई कांट बिलीव इट. हर चीज दिखाई है मैंने उनको, रेवेन्यू मॉडल, अपने बैकहेंड की वर्किंग, स्टैट्स, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने. आगे से बोलते दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तान, इसलिए तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है. इसीलिए तो मैं कह रही थी अपना आइडिया मेरे साथ डिस्कस कर लो, मे बी आई वुड हैव बीन एबल टू हेल्प. शट अप, आई डोंट नीड योर हेल्प. तुम जाके वो अपनी इंटरनेट की कंपनी बनाओ. जब कस्टमर सर्विसेज वालों को कॉल कर करके तो मुझे मत बोलना फिर. आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी. प्रोफेसर ने सारी मेहनत में पानी फेर दिया मेरी. अगर मेरी रिपोर्ट देख लेते फिर कुछ कहते ना तो समझ में भी आता. पर ये किस बात का एरोगेंस है, किस बात का एटीट्यूड है इनका. हाँ भाई, कहाँ आग लगी है? दिल में. किसके? कैंटीन वाले के, नजर नहीं आ रहा. मतलब प्रोफेसर ने तुम लोग के आइडिया की भी हमजा की तरह. नहीं, मैंने ये कब कहा? जरूरत नहीं पड़ी बोलने की यार, उन्होंने कुछ नहीं कहा. एक्चुअली ये सुनसा रिएक्शन था उनका. आई स्वेयर मैं डीन के पास जाऊंगी, मैं उन्हें कहूंगी कि ऐसे नहीं चलेगा भाई. हाँ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया. सब मिलके डीन के पास चलते हैं, एक्चुअली पूरे कॉलेज को ले चलते हैं और धरना देते हैं. डीन यही काम करने के लिए तो बैठे हुए ना, उनका सिर्फ एक ही काम है, अंग्रेजी बोलना, ग्रेजुएशन पे गाउन पहन के आपको डिग्री देना. ये छोटे मोटे मसाइल के लिए डीन नहीं है, उनका कैलिबर नहीं है ये. तो क्या करें? पार्टी करें. पार्टी कौन कर रहा है? हाँ भाई, कहाँ हो रही है पार्टी दिन दिहाड़े. अगर तुम लोग फ्रेंच बीच जा रहे हो ना, मुझे मिस नहीं कराना, क्योंकि मैंने इस दफा स्पेशली स्विमिंग सीखी है. अबे ओ, तेरे चक्कर में लास्ट टाइम 8 लोग डूबने से बच गए थे. वही तो कह रहा हूँ, इस दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस दफा फ्लोटिंग भी सीख ली है. अबे फ्लोटिंग के बच्चे, पानी को देखते ही तू पानी में जाते ही ईंट की तरह डूब जाता है अंदर. यार ले जाएंगे जब जाएंगे. खैर अभी तो मेरा घर जाने का प्लान है. हाँ मैं भी घर जाऊंगी, मुझे कुछ काम है. अबे पार्टी का तो बताया ने. कौन कर रहा है पार्टी? अली और किरण की पार्टी, तुम लोगों ने बताया? हाँ हाँ बताया था ना, वो आई थी इनवाइट करने के लिए. पर हम तो इनवाइटेड ही हैं. इनवाइटेड? उसने दो दफा इनवाइट किया है तुम्हें तो स्पेशली. हाँ 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 हाँ. अच्छा फिर मैं घर जाती हूँ. या माय ड्राइवर इज आल्सो हियर. निकलो यार. चलो. हाँ हो गई इज्जत. क्या कह रहा था तू? जितना कहा है उतना ही करो. अबे क्या उखाड़ लिया तूने कन्वेंशनल चीजें करके? उतना ही जितना तूने उखाड़ लिया. बी माइनस. अच्छा मुझे डबल एफ मिला. चलो भाई, मतलब मैं जीत गया. तुम सब की शक्लों से तो लग रहा है तुम लोग का भी बी माइनस ही है. सी. कोई मुझसे भी तो पूछ लो. अभी क्या करना है सैड न्यूज़ सुन के? छोड़ो यार अजीब. सुनो तो सही यार. और मेरा ए आया है. क्या ए कैसे आया? क्या क्या प्रेजेंट किया था तुमने? सिखाऊंगा किसी दिन. अभी ज्यादा हीरो ना बन. मुझे बता तूने ये किस तरह लिया? रिश्वत दे के लिया या ब्लैंको से एफ को ए में कन्वर्ट किया है? और यार अपनी अगल लगा के किया है भाई. मेरा पुराना प्लान था ये, किसी तरह कैंटीन को टेक ओवर करके उससे डबल प्रॉफिट कमा सकते. अनबिलीवेबल, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी. किडिंग विडिंग का सीन नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? देख लो. देख, आइडिया बुरा नहीं है तेरा, और मेरे पास तो आइडिया के अलावा बाकी सब कुछ था. और इधर जिस आइडिया पे काम करो वो पहले से हो रहा होता है. गलत सदी में पैदा हो गए हैं. थैंक यू थैंक यू. वैसे इतनी लंबी स्पीच करने की जरूरत नहीं थी. आयशा तुम्हारा आइडिया क्या था? बता दो. अब जितनी नजर लगनी थी लग गई. छोड़ो यार, तुम लोग को समझ में भी नहीं आया. क्यों, हम जाहिल हैं? वैसे है तो सही. बताओ तो सही. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पिच किया था मैंने. मतलब यूट्यूब? सब्सक्रिप्शन बेस्ड. विल नेवर वर्क. Netflix Prime जैसे giants से किस तरह मुकाबला करोगी? Excuse me, Netflix बहुत expensive है. मेरा 100 रुपए की subscription based है. आराम से masses cover होंगी, फोन पे देख सकेंगी. और content क्या लगाओगी? छोड़ो ना, it was a stupid idea. मुझे नहीं करनी इस बारे में बात. No, I'm interested. Okay, सुनो. Top YouTubers को engage करके उनको revenue का 25% share देने का plan था मेरा. But वो तो मैं अपना content क्यों देंगे? Extra पैसे. Exactly. Extra पैसे आते किसे बुरे लगते हैं? और वैसे कौन सा हम YouTube से डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं? इतना समझदार कब हुआ यार? अरे यार तुम लोग समझते हो मैं सिर्फ जोक्स मारता हूँ और खाना खाता हूँ. भाई सबसे बड़ा जोक तो ये है कि तुम सब में से सिर्फ मेरा ही आया. एडवर्टाइजिंग होगी? स्टार्टिंग के एक साल में तो नहीं होगी, उसके बाद सेटल सी होगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है, राइट? और अगर यूट्यूबर्स ना माने तो?
कुछ तो मानेंगे, नहीं तो खुद कंटेंट बनाएंगे। तो बस डन हो गया, टेक मैं संभालूंगा। मार्केटिंग में और पीआर तो तुम लोगों ने भाई की देखी है। एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स माय स्पेशलिटी। यार जिसने जो संभालना है संभालो, जिसने जो करना है करो। हम कौन सा इधर बिलियन डॉलर कंपनी बना रहे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर देगी, दुनिया में चर्चे फैल जाएंगे उसके, लोग पागल हो जाएंगे कंटेंट देने के लिए, सब्सक्राइबर बनने के लिए लाइनें लग जाएंगी। ये सारा ख्याली पुलाव यार, ऐसा नहीं होता। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? सॉरी। क्या नाम था तुम्हारे पोर्टल? क्यूब लाइट। आइडिया तो अच्छा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेटा ये जो अच्छे आइडियाज होते हैं ना, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा पैसे। वो हमारे पास है नहीं, हम है सारे मिडिल क्लास फुकरे। हम तो ऐसे ही इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, ये है ना, पूरा बैंक हमारे साथ पार्टी कर रहा है। अरे वैसे मरियम, डू यू थिंक कि तुम्हारे फादर इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट करने में? जोक ऑफ द सेंचुरी, ही डजंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, उनको सिर्फ फैक्ट्रीज और मिल्स समझ में आती हैं। यार हमें कोई बैंक लोन नहीं देगा, और वैसे भी ये बिजनेसमैन स्टार्टअप वालों को सीरियस नहीं लेते, तो एग्जैक्टली उनको लगता है कि ये आइडिया बहुत ही फॉरेन है और सिर्फ अब्रॉड में एग्जीक्यूट हो सकता है। चलो फिर कोई बेवकूफ ढूंढते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। देन लेट्स फाइंड समवन हु हैज सम मनी टू बर्न। मिल गया। यार तुम लोग मुझे कहाँ उठा के ले आए हो? पार्टी तो वहाँ हो रही है और हम यहाँ हैं। Something is wrong। हमें तुम्हारे दो मिनट चाहिए, हम एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। तुमने कहा ना तुम लॉन्ड्री भाई, दी स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स। ओह आई लव नेटफ्लिक्स। अली। यस डार्लिंग। मेरी बात सुनो, तो अपने डैड से हमारी मीटिंग करवा सकते हो? हाँ मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद मिल लूं। वो सारा वक्त ना मेरी कुत्ते वाली करते रहते हैं। क्या नहीं है मुझ में? I'm good, I'm strong, I'm funny, I'm confident। यार तू किसको उठा के लाया ये? पार्टी में इससे कम तुम बंदा नहीं मिला था तुझे? अली, we need to text your dad। हम उनसे मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाह रहा है? हम पांच। ओह हम पांच। हम पांच पापा पांच, हम पांच पापा पांच। अली तू अपना फोन दे। लॉक है। पासवर्ड खोल के देना। तुझे क्यों दूं अपना पासवर्ड? पासवर्ड सीक्रेट होता है। यार इससे खुद ही बात करने दो। ओवरसीज कॉल्स नॉट अलाउड। ये तेरे डैड है? और तो क्या, तेरा डैड है? क्या कर रहा है? मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ। ओए मैसेजेस नहीं पढ़ना। नहीं। I hope this works. It will. विकी कोई मजाक वजाक नहीं, ये सीरियस मीटिंग है। हाँ, एक सेकंड, फिर मैंने ये जो जोक्स लिखे हैं खास इस मीटिंग के लिए, वो क्या करूं मैं? बेटा टेंशन मत लो, ये याद रखो तुम सब में से मेरा ही आया है। हाँ हाँ पता है भाई। यार मुझे लगता है आयशा को लीड करना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स और फिगर्स उसी ने बनाए। देखो आई एम जस्ट सेइंग कि लेट मी स्टार्ट एंड देन आयशा कैन टेक ओवर। यू ओके विद दिस? या श्योर, आई डोंट माइंड। अच्छा तो हम दोनों क्या आई कैंडी हैं? वैसे हैं तो सही। देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि हम बच्चे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये तो सच है। कार प्लीज यार, चिल करो यार, जो होगा किस्मत में मिलेगा ना। किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है। बस आप लोगों को बुला रहे। मैंने आपसे कहा था टेंडर हमारे ही नाम आना चाहिए, बाय होक और बाय क्रूक, समझ गए आप? ओके गुड। अली नहीं आया?
नहीं सर, आई थॉट हमने प्राइवेटली मिलना। ओह, छई हुआ नहीं आया। ही इज माय फ्लैश एंड ब्लड बट ही इज एन इडियट। यू गाइस आर नॉट इडियट्स, आर यू? जी सर। जस्ट किडिंग। अली का मुझे मैसेज आया था, उसने बताया आप लोग के पास कोई नया स्टार्टअप का आइडिया है, और मेरा 25 साल का तजुर्बा तो ये कहता है कि ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज। सो गो ऑन। अब सर, इट्स अ स्ट्रीमिंग सर्विस। स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स? एग्जैक्टली सर, लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Apple TV। लेकिन सर हमारी USP है कि वी आर टेकिंग इट टू द पीपल। हम टॉप इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेंगे जो कि ऑलरेडी हिट कॉन्टेंट बना रहे हैं। सर डिस्क्रिप्शन इस फाइल में, अलाउ मी। $1 million. सर स्केड्यूल पेज नंबर 7 पे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 million, और उसके बाद फिर पैसा कहाँ से बनेगा? सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग? नो सर, इनिशियली नहीं, इनिशियली वी आर कीपिंग इट क्लीन, बट लेटर ऑन। आई गॉट इट, पैसा सब्सक्रिप्शन से बनेगा। क्या फी चार्ज कर रहे हैं? 100 rupees. 100 rupees फॉर मंथ सर, फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, मुझे बताइए ये सारे लोग जो इधर आपने मेंशन किए हुए, ये सारे लोग ऑन बोर्ड हैं? आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कराए हुए हैं? ये आपकी IP प्रोग्रामिंग ऑल रजिस्टर्ड? जी सर, ये पूरा प्लान है। अच्छा, यस सर, एक्चुअली वी आर इन द प्रोसेस। हमें पता है कि सबको एडवांस पेमेंट्स चाहिए होती है, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम एक सेकंड, आप कहना चाह रही हैं कि आप लोग मेरे पैसे से अपना आइडिया एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और मेरे अलावा भी कोई शामिल है इसमें? अब सर, वी मेट अदर पीपल, सम रियली नोन पीपल एक्चुअली। लाइक हु? सर वो MS बैंक। आपको पता है ये नए आइडियाज किसी भी सड़क चलते आदमी को आ जाते हैं दिमाग में, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि नए स्टार्टअप्स का फेलियर परसेंटेज क्या है। इट इज 98%। लेकिन सर क्या पता हम 2% में से हो जो कि आगे जाके नेटफ्लिक्स और Amazon बन जाते हैं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, but the problem is you guys are a little late. Ye to bahut pehle se ho raha hai sir. The idea of people making content is, I've got 2 words for you, YouTube. Sir actually wo 1 word hai. Sorry, jaise Facebook hota hai na sir, bagair space ke. To it's a 1 word. Anyway, main aap logo ko bata raha tha ki ye koi nayi cheez nahi hai, bahut pehle se ho rahi hai. Even the Indian market is all saturated. Ab main aapko kya bataun? आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के दिमाग में ये बात कैसे आई कि लोग सुपीरियर प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे? लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट? लोकल कंटेंट सर, वी हैव अ लोकल फॉर लोकल स्ट्रेटजी। ऑफ कोर्स वी वांट इवेंचुअली कि हमारा कंटेंट पूरी दुनिया में देखा जाए, बट फिलहाल 22 करोड़ आवाम है और कुछ करने के लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट डिप्राइव नेशन, यू नो, हम इंडियन मूवीज देखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे सोचते हैं कि हम ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बना सकते। तो हम बनाएंगे ना सर, लोग अपने स्टार्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई नए लोगों को मौका नहीं देता। हम देंगे वो मौका। वी विल मेक स्टार्स। यू गाइस आर गुड वर्किंग ब्रेन्स। एक बात बताता हूँ, जब मैं आप लोगों की उम्रों का था, उस जमाने में मैं भी ऐसी उल्टी बातें सोचता था, इम्पॉसिबल आइडियाज के पीछे भागा करता था। ओके, गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट। सर इसका मतलब हम हाँ समझे? आई सेड आई विल थिंक अबाउट इट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हम अब चलते हैं। सर थैंक यू। अरे वाह मरियम, क्या बात है, लोकल फॉर लोकल स्ट्रेटजी, वी विल मेक आवर ओन स्टार्स। तुझे कहा था ना मीटिंग में मजाक नहीं करना। मैंने कौन सा मजाक किया यार, हालांकि थे मेरे पास फ्रेश जोक्स। ये यूट्यूब एक वर्ड होता है, टेबल की उस साइड पे जो बैठा उसे करेक्ट नहीं करते, तो शुक्र है कि मरियम ने बचा लिया। इट्स ओके, आई थिंक वी ऑल डिड ग्रेट। ऑफ कोर्स वी डिड, एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट। और तुम अंदर जाने से पहले क्या बोल रहे थे कि हम बच्चे ना लगे? क्यों ना लगे भाई, हम हैं बच्चे एंड वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। नो, और तू क्या बकवास कर रहा था कि बहुत लोग ऑन बोर्ड हैं? अरे यार हम तो जानते ही नहीं किसी को। देख भाई, मुझे जो सही लगा ना वो मैंने बोल दिया, मुझे लगा वो मना कर देंगे यार। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, लड़ क्यों रहे हो? He said ना कि he'll think about it, and I feel like that's a good sign. अरे यार यही तो मसला तुम लोगों का, successful होने के लिए good sign is not enough. तो फिर क्या करें हमजा? I don't know. हम इसे कह देना चाहिए था कि take it or leave it, वरना और भी बहुत लोग हैं हमारे पास. No, I feel like that's really rash. देख भाई, wait करते हैं weekend तक का, आ जाएगी call यार. I say let's go for lunch. My treat. ये plan पसंद है मुझे, ये deal सही है, ये सुबह सुबह नाश्ते से मुझे उठा के. तुम एक तो फौरन लड़ना शुरू कर देते हो. मेरी बात सुनो, सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं चाहिए होता ऐसी चीजों में। पता है मुझे। तो मिलेंगे ना, सबसे मिलेंगे, 10 लोगों से, 100 लोगों से, जिनसे बात करनी पड़ेगी करेंगे।
आई थिंक आई कैन ऑल्सो कन्विंस पापा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हमारे साथ कुछ बड़े नाम जुड़ जाए ना। देखो सारे बड़े लोग ना ऐसे ही डील करते हैं, ऊबर, फेसबुक, एप्पल के सीईओज वेट नहीं करते, बॉल हमेशा इन्हीं के कोर्ट में होती है। और पर्सनली आई थिंक आज हम बड़े कच्चे लगे हैं जलाल साहब के सामने। यार ये फ्राइज कच्चे हैं, बेटर सही है, कच्चे ही खा लेता हूँ मैं, पेट खराब हुआ ना छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। आई थिंक हमें कुछ पैसे जोड़ के ना आपका एपीके बनवा लेना चाहिए, एंड आई नो सम कोडर्स, वरना इतना सिर्फ आइडिया पर हमें कौन पैसे देगा। मैं कुछ करता हूँ। कॉलेज की फीस देने के पैसे तो है नहीं अब्बा के पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, इस गुलबदन के सिवा। मेरे पास दो तीन रिंग्स हैं गोल्ड की हैं, एक दो लाख तो आ जाएंगे ना उससे। बेटा I'm so proud of you. लेकिन ये गहने I can speak to papa. हमें कुछ लोन दे दें, in a couple of months हम रिटर्न कर देंगे। जी वो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आप बिल करवा दें। अभी खा रहे हैं हम। जी जी प्लीज कंटिन्यू। लेकिन मैनेजर साहब कह रहे हैं कि बिल पहले करवा दें। ओ भाई क्या लगता है आपको, ऐसे बिल दिए बगैर भाग जाएंगे क्या हम? जी ऐसी बात नहीं है, मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आप बिल करवा दें। रे? कितनी बार बोलता है एक ही बात ये? What is that even supposed to mean? मैं भी ट्वीट करती हूँ। Take it easy यार। आप जाएं, मैनेजर को भेजें। जी मैं ही मैनेजर हूँ। लो भाई, फिर इतनी देर से मैनेजर को रोब क्यों झाड़ रहा था? देखिए हमारे साथ ऐसा बहुत होता है, और बेहतर इसी में होगी कि आप फौरन। Guys, शयान, शयान, छोड़ो इसको। यार शयान को बिठाओ यार। Guys, guys, जलाल साहब, सर, हाँ, आप दो मिनट में बिल देते हैं, प्लीज चाहे। हेलो जी, अमूमन मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती तो नहीं है, स्पेशली जब डील मेरे अपने फायदे की हो। वैसे भी तुम लोग को देख के मुझे अपना स्ट्रगल का टाइम याद आ जाता है। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, आई मीन अबे आधा घंटा हो गया, भूख लगी है यार, ना कोई समोसा है ना बिस्किट है। इन्होंने अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लिया? अस्सलाम वालेकुम, I'm sorry, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आप लोगों को? नहीं नहीं सर, चाय पीते पीते वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। गुड। अच्छा जी, फोन पे बात हुई थी, उसके बाद मैंने ये फाइल तैयार करवा ली थी, अच्छी तरह से देख लीजिए, सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। अगर मूड हो तो अभी साइन कर लीजिए, और ना हो तो आराम से घर ले जाइए, पढ़िए, इत्मीनान से साइन कर दीजिएगा। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। हां, $1 million ऑन साइनिंग। आई एम सॉरी सर, मे बी इट मस्ट बी अ टाइपो, 51%। एक्सक्यूज मी, नो आई मीन दिस इज 51% इक्विटी आपकी होगी। नो गेट इट। हां 51%? क्यों, क्या समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ रहे हैं मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के बाद मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी नहीं बनूंगा, यानी कि मैं आप लोगों से ऑर्डर दूंगा। सर देखिए ऑर्डर्स की बात नहीं है, दिस इज आवर बेबी, एंड लाइक ऑल स्टार्टअप्स द सीईओ शुड, लाइक ऑल स्टार्टअप दिस विल आल्सो फेल, ये ज़हन में रखिएगा, वो भी लॉन्च से पहले, बल्कि आप लोग लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना ही आप लोग के पास कोई पैसा है और ना ही कोई और इन्वेस्टर। राइट, बिलीव मी इट्स अ वेरी गुड डील, ख्वाब पूरे करने के नहीं है। सर वी वर अंडर द इंप्रेशन कि आज हम यहाँ आपसे बात करने आ रहे हैं, असल में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नियत से नहीं आए थे। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरा स्टाइल काम करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं सोचता हूँ और डिसीजन ले लेता हूँ, आप लोग थोड़े मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए, अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए, घर वालों को बताइए, वो शायद हेल्प आउट करें, कुछ समझ में आने में आसानी हो जाए। या आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आईडिया, लेट वी शुड टेक एक दो दिन ले लेते हैं और फिर डिसाइड। नो, एक दो दिन की जरूरत नहीं है, इट्स नो फ्रॉम आवर साइड। हमजा, जलाल साहब ठीक है, हम बच्चे हैं, हमारे पास ना ही पैसा ना इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम अपनी कंपनी का 51% नहीं देंगे, ना आपको ना किसी और आप सोच लें, अपने बड़ों से डिस्कस कर लें, हो सकता है वो आपको बेहतर मशवरा दे दे। हमजा मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी ना जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए था। अच्छा तो फिर क्या करता, अपनी कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स उसे दे देता। हमजा
कंपनी हम सबकी है यार। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि साइन कर देते, पर बार्गेनिंग का रूम तो छोड़ना चाहिए ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें काउंटर ऑफर देनी चाहिए थी। आई एग्री विद हमजा, वो काउंटर ऑफर वाला बंदा है ही नहीं, हमारा बॉस बन जाता। वो बहुत टेढ़ा किस्म का इंसान है यार, 51% शेयर्स लेके हमें हमारी कंपनी से चलता कर देता। He wanted to be our boss. शेयर्स तो होते ना हमारे, अभी क्या है? यार तुम्हें नहीं पता, ऐसे लोगों के पास हजारों तरीके होते हैं फ्रॉड करने के। Listen, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें अपने ना रिलेशन सबसे अच्छे रखने चाहिए, कल को हमें उनसे कोई काम भी पड़ सकता है, पर तुम तो जलील करके आ गए उनको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Come on, अपने बड़ों से पूछ के, सीरियसली ऐसे कौन कहता है? वैसे था वो बहुत टाइट। स्टीव जॉब्स वाली हरकत की है तूने। तो अब बताओ बॉस, क्या प्लान है आगे का? प्लान, चलो चलते हैं और लोगों के पास कटोरा लेकर। अबे भीख नहीं मांग रहे भाई, इन्वेस्टमेंट मांग रहे, और जिससे अगलों को भी फायदा होगा, मिलियंस का, बिलियंस का, ट्रिलियंस का हो सकता है। लेकिन मांग तो नहीं है ना। काश हमारे माँ बाप भी अमीर होते, मतलब हम सब के। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई दिमाग में इन्वेस्टर्स है तो बोलो। आइडिया, मेरे मामू की दोस्ती है एजाज असलम से, और वो बताते हैं कि वो बहुत रहमदिल आदमी है, आला आदमी है, सबकी मदद करता है। मैं कहता हूँ इस अजीम इंसान के पास चलते हैं, ये हमें रुस्वानी करेगा। पागल वागल तो नहीं हो गए तुम लोग? कौन सा सस्ता नशा करके आयो? मिलियन चाहिए, मिलियन। शक्ल देखिए अपनी, मिलियन वाली है कहीं से? अरे चलो बंदा रुपीज में बात कर लेता, USD। वाह 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 वाह, आईने में शक्ल देखिए अपनी। अरे तुम्हें तो ये ना दे, ये अपने पुराने कपड़े पहनने को ना दे, US डॉलर। सर एक्चुअली चाहिए तो 3 मिलियन USD। चल बेटा तू तो पहले बाहर निकल इधर से मनुष्य आदमी। अरे इंसान जब मीटिंग में जाता है तो कोई ढंग के कपड़े पहन लेता है। सबसे पहले जाकर ना किसी अच्छे शैंपू पर इन्वेस्ट करो, फिर आकर बात करना मुझसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। अच्छा खासा जिम जा रहा था मैं, खामखा मेरा टाइम वेस्ट किया। सर आप एक दफा हमारा प्रपोजल तो सुन ले। नहीं तो क्या, मुंह से आग निकलने लगेगी, हुकूमत बदल जाएगी। नहीं बताओ ना हो क्या जाएगा उस? यार जिस पोजीशन पर मैं पहुंचा हूं ना, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। 3-3 बसें बदलकर मैं काम पर जाया करता था, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, चंदा नहीं मांगा, जो भी किया ना इज्जत से किया। और तुम लोग मिलियन डॉलर ऐसे मांग रहे हो जैसे तुम्हारे बाप के बैंक है। खबरदार रखो उसे। इसके लिए ना मैंने 30 साल मेहनत की है, ली मार्केट से जाकर नहीं उठाया। सर एक्चुअली हम आपके पास इसलिए आए थे कि हमने सुना था कि आप सबकी हेल्प करते हैं। तो जी जी मैं बिल्कुल हेल्प करता हूँ सर, लेकिन उनकी जो अपनी हेल्प करते हैं। सर बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं आएगी समझ, मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जिनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, कुछ करने का शौक होता है, स्ट्रगल करते हैं जो लोग। तो हिम्मत ना हार। क्या? नहीं सर, वो आपने जज्बे जुनून की बात की ना, तो मैं सोचा सेंटेंस कंप्लीट कर दूं। जस्तजू जो करे तो चल।